यूं तो खांसना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन कहीं ये 2 हफ्तों से ज्यादा की खांसी तो नहीं। दोस्तों, खांसना जितना बुरा लगता है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। टीबी या क्षय रोग आज विश्व का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा हिंदुस्तान में हर साल लगभग 2 मिलियन या 20 लाख टीबी का मरीज होते हैं। क्या टीबी का इलाज संभव है? 6 से 8 महीने का जो इलाज है, आप इसको पूरा कराइए। एक ही डोज आप बिल्कुल मत छोड़िए, आप पूरा ही इलाज अपना कराइए। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक इंसान से दूसरे इंसान में हवा द्वारा आसानी से फैल सकता है। वैसे तो इस रोग के जीवाणु हमारे फेफड़ों पर ज्यादा असर करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये जीवाणु हमारे गुर्दे, रीढ़ की हड्डी, जोड़ और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकते हैं, और अगर समय पर इसका इलाज ना किया गया तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसका जो कारण है, ये एक बहुत छोटा सा कीटाणु है और ये 90% लोगों में ये फेफड़ों में ही इन्फेक्ट करता है। शरीर के किसी भी अंग को इन्फेक्ट कर सकता है, पर अधिकतम फेफड़ों को ही इन्फेक्ट करता है। तो इसी कारण जो भी सिम्टम हैं, ये फेफड़ों के सिम्टम ही होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, खांसी है, बुखार है, खून आना है, फेफड़े में दर्द होना है, तो अधिकतर सिम्टम यही हैं। क्योंकि ये कीटाणु जो है, ये फेफड़े में रहता है, तो इसका जो बीमारी का फैलना है, वो भी खांसी से ही फैलती है। जब भी कोई मरीज़ खांसता है, तो जो ये कीटाणु हैं, ये वातावरण में फैल जाते हैं। और अगर ये कीटाणु कोई अन्य दूसरा व्यक्ति सांस के द्वारा अंदर लेता है, तो ये कीटाणु फिर उसके फेफड़े में जाके घर कर लेते हैं। और टीबी पीड़ित व्यक्ति से ये जीवाणु सबसे ज्यादा साथ रहने वाले लोगों जैसे परिवार और दोस्तों के बीच खांसने, छींकने, बोलने और गाने से फैल सकते हैं। अरे क्या हुआ, लगता है आप घबरा गए, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि टीबी के जीवाणुओं से ग्रसित हर व्यक्ति रोगी नहीं होता। और हम आपको ये बता दें कि ये रोग हाथ मिलाने, साथ खाने, साथ पानी पीने, रोगी व्यक्ति का बिस्तर छूने से नहीं फैलता। टीबी रोग का एक खतरा छोटे बच्चों, HIV संक्रमित व्यक्तियों, अवैध दवाई या ड्रग्स लेने वाले व्यक्तियों, 2 या 2 से अधिक सालों तक टीबी संक्रमण से ग्रसित व्यक्तियों और उनके साथ रहने वाले व्यक्तियों को हो सकता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये संक्रमण टीबी रोग में विकसित नहीं हो पाता, तो वहीं कुछ व्यक्तियों में ये संक्रमण अन्य व्यक्तियों के मुकाबले जल्दी और ज्यादा घातक साबित हो सकता है। 4-5 महीने से बुखार आ रहा है। इसको ढीला मीला रहता है, रोटी कभी खा ली, कभी नहीं खा ली, एक खा ली, कभी आधी खा ली, मतलब भूख कम हो गई है। हाँ, बहुत कम, कब से कम हो गई है भूख? ये करीब करीब 3-4 महीने मुझे देखते हो गया, ढीला मीला सा ही रहता है। और वजन कम हुआ? वजन बिल्कुल नहीं छूट गया सर। खांसी वगैरह आती है कि नहीं? खांसी भी, खांसी आती सर। खांसी कब से है? खांसी हो गई सर 1.5 महीना करीब करीब। वैसे तो बुखार की दवा लेता रहता था, लेकिन जब ब्रेड आया, जब हम यहाँ आके, इन्होंने पहले कभी टीबी का इलाज तो नहीं किया इसने? हाँ नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसकी 2 गांठें जरूर थी सर। अच्छा। हाँ, वो न मालूम टीबी की है न काहे की है। गांठों का इलाज हुआ था? गांठों का वैद्य की दवाई का इलाज हुआ था सर, वैद्य से इलाज कराया था। हाँ, अभी हम इनकी बलगम की जांच कराएंगे, ठीक है? खून रोकने के लिए हम इनको दवाई देंगे जिससे खून रुकेगा। जब भी उसको इस तरह के लक्षण आते हैं, जैसे कि लंबी खांसी रहना, लंबा बुखार रहना, भूख ना लगना, मुंह से खून आना, तो ये सब टीबी के लक्षण हैं। कि जैसे ही उसको इलेक्शन आए, तो उसको वो इग्नोर ना करे, उसी समय आसपास के या तो किसी भी जो डिस्पेंसरी बनी हुई है वहाँ जाए, या जो डॉट सेंटर बने हुए हैं वहाँ जाके अपनी बलगम की जांच करवाए, वहाँ डॉक्टर को दिखाए, और अगर जांच में टीबी पाई जाती है तो उसका जो भी उसको इलाज बताया जाता है वो ठीक बिल्कुल लगातार लग के उसको ले। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका डायग्नोसिस टाइम से हो जाए और उसका इलाज जो है वो पूरे समय तक लिया जाए, और उसके साथ के जो घर वाले, जो उसके घर के मेंबर्स हैं, वो भी अपने ऐसे में जाके जांच करवा सकते हैं, और उनको किसी को टीबी होती है तो उसके भी वो इलाज करवाया जाए, और किसी तरह की भ्रांतियां ना रखें।
जैसे घर वालों को भी ये नहीं सोचना चाहिए इसको छूने से टीबी हो जाएगी, या हमने इसकी थाली में खाना खा लिया उससे टीबी हो जाएगी, या इसका तौलिया हमने यूज़ कर लिया तो उससे हो जाएगी। हाँ, जो टीबी फैलती है वो फैलती है हवा में से कीटाणु। जब भी ये जो टीबी का मरीज है वो खांसता है या छींकता है या बातें करता है तो उसके मुँह से जो कीटाणु निकलते हैं वो हवा में तैरने लगते हैं, जिन्हें हम ड्रॉपलेट कहते हैं, और वो हवा में कुछ घंटों तक वो तैरते हैं। जब दूसरा मरीज इसी हवा में सांस लेता है तो वो कीटाणु उसके अंदर चले जाते हैं, उसको टीबी होने की संभावना होती है। ऐसा नहीं कि 100% लोगों को हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए अच्छा ये है कि मरीज खांसते टाइम छींकते टाइम अपना हाथ मुंह पे रख ले, या बाजू भी ऐसे कर सकता है, ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, या मास्क वगैरह पहन सकता है, जैसा भी है। खासकर शुरू में जब उसका इलाज शुरू किया जाता है तो करीब 1-1.5 महीना तक वो ज़्यादा इन्फेक्शस रहता है, उस समय ज़रूर ये एहतियात रखे वो, और जैसे जैसे टीबी का इलाज आगे जाता है तो उसकी इन्फेक्शननेस भी कम हो जाती है, उसके बाद वो इन्फेक्शस नहीं रहता, उसके बाद ये चीज़ें हम ख़त्म कर सकते हैं, और जब भी उसकी बलगम है उसको ठीक से डिस्पोज करें। जब मरीज आता है हमारे हॉस्पिटल में बलगम की जांच के लिए, एक तो पहले जब आता है उसको हम स्पॉट सैंपल कहते हैं वो लिया जाता है, और एक सेकंड सैंपल लिया जाता है, उसको हम कंटेनर देते हैं अगले दिन मॉर्निंग सैंपल लाने के लिए। तो मॉर्निंग सैंपल इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कीटाणु पाने के। दोनों सैंपल से हम एक स्मियर बनाते हैं, स्लाइड पर स्मियर बनाते हैं, और उसको हम स्टेन करते हैं, उसके बाद उसकी जाँच की जाती है। उसमें हम देखते हैं अगर उसमें ये टीबी के कीटाणु हैं कि नहीं है। अगर पेशेंट के बलगम में टीबी के कीटाणु पाए जाते हैं तो हम उसको डायग्नोस करते हैं कि ये पॉजिटिव है, और अगर कीटाणु नहीं आते हैं तो हम कहते हैं कि पेशेंट को टीबी नहीं है। यदि डॉक्टर को फिर भी लगता है कि पेशेंट को अभी भी खांसी हो रही है और बुखार लक्षण हैं, टीबी के लक्षण अभी भी हैं, तो उसको हम एक हफ्ते बाद फिर से बुलाते हैं और दोबारा टेस्टिंग कर सकते हैं स्मियर की, और हम एक और टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं कल्चर टेस्ट। वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, तो उसमें हम इसी से बलगम से ही उसका प्रोसेस करके उसको एक कल्चर मीडियम पे लगाते हैं और उसको उगा के देखते हैं अगर उसमें ग्रोथ आती है टीबी की कि नहीं आती। अगर उसमें ग्रो करता है तो उसमें कन्फर्म हो जाता है कि पेशेंट को टीबी है। वैसे तो टीबी रोग की जांच के लिए आपके और आपके डॉक्टर के पास कई विकल्प हैं, लेकिन ये जरूरी है कि 2 दिन तक बलगम की जांच जरूर कराई जाए। टीबी की जांच के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो है बलगम की जांच, यानी कि स्पूटम की जांच। पर यह बड़ा जरूरी है कि स्पूटम आपके शरीर से बिल्कुल ठीक से निकलना चाहिए। जनरली क्या करते हैं, कई बार मरीज थूक दे देते हैं, आपको थूक नहीं देना, अंदर से निकाल के खांसी करके बलगम देना है। एक स्पेसिमेन जब भी आप आएंगे डॉक्टर के पास या अपने हेल्थ वर्कर के पास, वो आपको एक डब्बी देगा, उसमें सैंपल आपने निकाल के जमा कराना है, और सैंपल जब भी आपने बलगम निकालना है खुली जगह में निकालना है जिससे किसी और को टीबी ना फैले, और दूसरी डब्बी आपने अपने घर ले जानी है, और अगले दिन का सुबह अर्ली मॉर्निंग सैंपल आपने देना है कुल्ला करने के बाद, वो भी खांसी करके देना है, अंदर से जो निकलता है बलगम देना है, थूक नहीं देना। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई का नियमित सेवन करने से आप टीबी रोग को बढ़ने से रोक सकते हैं। बच्चे, किशोर, HIV संक्रमित लोगों को डॉक्टर के कहे अनुसार 6-8 महीने तक दवाई का सेवन करना होता है। लोग जो है थोड़ी सी अपनी गलती की वजह से जो है ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जब कभी भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं जबकि भी हॉस्पिटल भागते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये सरकार ने जो हॉस्पिटल बना रखे हैं आप उसमें दिखाइए, चेकअप कराइए। दवा खाने का रूटीन में खाएं और टाइम एक फिक्स रखें, सही मैंने टाइम पर दवा को खाएं और सही से उनको जो है सो माने लें, और कोई तरह की दिक्कत होती है तो तुरंत जो है सो डॉक्टर साहब से परामर्श लें। रोटी जरूर खाएं, रोटी नहीं खाएंगे तो दवाई से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। टीबी की रोकथाम के लिए हमें अपने स्थानीय स्वास्थ्य टीबी शिविरों के साथ जुड़ना चाहिए। हमें अपने सहपाठियों, परिवार और सहयोगियों को टीबी के बारे में जागरूक करना चाहिए। छोटे बच्चों, किशोर, HIV ग्रसित व्यक्तियों की समय समय पर जांच करवानी चाहिए, और हाँ, जिस व्यक्ति पर टीबी होने का खतरा बना हो उसकी जांच अवश्य कराएं, और टीबी से ग्रसित मरीजों को डॉट्स के बारे में जानकारी अवश्य दें। डॉट्स फॉलो कीजिए, पूरा रेगुलर डॉट्स का टेबलेट खाइए, मतलब एक दिन भी नहीं छूटना नहीं चाहिए, और खाना तो अच्छा से खाना होगा और टेबलेट्स। अगर डॉट्स का आप 6 महीने से ले लो डॉट्स का टेबलेट्स, आपको ठीक हो जाता है। जब भी हम टीबी के मरीज को दवाई शुरू करते हैं हमारी नीयत तो ये होती है कि पेशेंट बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाए। कोई 3-6% लोगों में दवाइयाँ सूट नहीं कर सकती या रिएक्शन कर सकती हैं।
अगर ऐसा होता है तो कोई भी डरने वाली बात नहीं होती। जनरली जो रिएक्शन होते हैं बड़े माइल्ड होते हैं, बड़े हल्के होते हैं और उनको आराम से संभाला जा सकता है। कभी भी अगर आपको साइड इफेक्ट होते हैं तो अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कीजिए या जिसने दवाई आपको प्रिस्क्राइब की है उसके पास जाइए। अपने आप दवाई मत बंद कीजिए। अगर आप अपने आप दवाई बंद करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आपकी टीबी बिगड़ सकती है, एमडीआर बन सकती है, तो उसके लिए फिर समस्याएं आपके लिए ज़्यादा हो जाएंगी। मैंने जो है एक महीने की दवाई खाई थी पहले जो है, तो उससे रेस्पॉन्स मिला था, लेकिन जो है दवाई छोड़ने के बाद जो है जो कैप्सूल दिया था उससे फिर रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। इसी तरह से प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है जी। दवाइयाँ जो आजकल की तारीख में जो उपलब्ध हैं वो इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं कि जैसे ही आप इलाज इसका शुरू करते हैं तो करीब करीब एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर पता चलता है कि आपके सारे के सारे सिम्टम जो भी थे, चाहे बुखार था, खांसी थी, खून आता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और बल्कि कई बार इसकी वजह से मरीज़ दवाई लेना ही बंद कर देता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसका पूरा इलाज पूरे समय तक जो जो दवाई आपको बताई गई हैं वो ठीक मात्रा में और लगातार लेनी चाहिए और 6 से 8 महीने का कोर्स करना चाहिए। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं करीब करीब 100% लोग जो हैं इससे ठीक हो जाते हैं। 2-4% को छोड़ दीजिए आप, अदरवाइज़ जो आजकल की अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं उससे सारे के सारे मरीज पूरी तरह से पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। तो हर मरीज को टीबी की दवाई बिल्कुल समय से लगातार और ठीक मात्रा में पूरे समय तक लेनी चाहिए अगर आपको ठीक से ठीक होना है और इस बीमारी को जड़ से निकाल देना है। आप सभी जानते हैं कि HIV रोग व्यक्ति के शरीर को कमजोर कर देता है जिसमें शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता। गुप्त टीबी संक्रमण और HIV संक्रमित व्यक्ति में टीबी बढ़ने का डर हमेशा रहता है। HIV की बीमारी में इंसान की बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी क्षति कम हो जाती है, इसीलिए HIV का ग्रसित जो मरीज होता है उसमें टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हर HIV के मरीज को टीबी के लक्षणों की जाँच करानी चाहिए और हर टीबी के मरीज़ को HIV की जाँच करानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बात बताने की है वो यह है कि यदि किसी को HIV का रोग पता चले या HIV के लक्षण हो या किसी को TB का रोग के लक्षण हो तो वह घबराए ना, अस्पताल आए, अपने घर के जो पास जो सबसे करीबी उसका सरकारी अस्पताल है वहाँ जाए। हर सरकारी अस्पताल में TB की जांच और HIV की जांच मुफ्त उपलब्ध है सरकार की तरफ से, इसलिए घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई बीमारी का पता चलता है तो आप सरकारी अस्पतालों में जाएं, ART सेंटर्स पे जाएं और अपना इलाज करवाएं। अपनी दवाइयों को याद रखने के लिए आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी यानी डॉट्स को अपनाना चाहिए। इस सेवा में आप स्वास्थ्य अधिकारी से टीबी स्वास्थ्य केंद्र, घर, ऑफिस या किसी भी स्थान पर रोज या हफ्ते में कई बार मिल सकते हैं और यहाँ तक कि आप अपनी दवाइयों को स्वास्थ्य अधिकारी के संदर्भ में भी ला सकते हैं। सरकार ने टीबी को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RNTCP के नाम से जाना जाता है। इस प्रोग्राम में हर 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर डॉट सेंटर उपलब्ध हैं जिसमें मरीज को अगर कोई भी सिम्टम्स होते हैं टीबी के तो वहाँ पर जाकर अपनी बलगम की जांच कराता है। ये जांच निःशुल्क होती है और अगर इस जांच में उसे टीबी निकलती है तो उसी सेंटर्स पर डॉट सेंटर में अपना इलाज शुरू कराता है। इस इलाज में मरीज डॉट प्रोवाइडर के सामने दवाई खाता है और 6 से 8 महीने दवाई खाने के बाद वो मरीज क्योर डिक्लेयर होता है। डॉट्स आपकी कई तरह से मदद करता है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य अधिकारी आपको सही समय पर दवाई लेना बताएंगे जिससे इलाज पूरा होने पर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे ये सुनिश्चित हो जाता है कि मरीज का इलाज चलेगा तो मरीज को हफ्ते में 3 दिन के लिए बुलाया जाता है। हर दिन की दवा जो होती है मरीज को अपने सामने दी जाती है, मरीज के सामने रिकॉर्ड में उसको टिक किया जाता है जिससे कि हमें कन्फर्म हो जाता है कि हम वो दवाई लेने आ रहा है। मान लीजिए किसी वजह से अगर दवाई लेने के लिए मरीज नहीं आता है तो हम उसको घर जाके उसको सूचित करते हैं कि भाई आपको दवाई लेने के लिए आनी है। और मरीज अगर इतना बीमार होता है कि डॉट सेंटर तक आ ही नहीं सकता तो हमारा डॉट प्रोवाइडर उसको वहाँ जाकर भी दवाई दे सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि हम इससे सुनिश्चित कर लेते हैं कि मरीज़ का लगातार इलाज चल रहा है और इलाज ही चल रहा है और मरीज़ हमारे सामने दवाई खा रहा है। उसकी कोई समस्या अगर होती है तो वो हमसे उसी टाइम उसको डिस्कस भी कर सकता है और उसका तुरंत निदान कर दिया जाता है। इलाज के दौरान उसकी मरीज़ की 3 बार जांच कराई जाती है जी। मेरी नाड़ में ना गिल्टी निकली थी तो गर्दन में, उससे फिर मैंने हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह करवाए, उन्होंने यहाँ रेफर किया। लेकिन हमारे घर वालों ने, अड़ोसी पड़ोसी ने पता चला, सबको कहा आप दवाई लेते रहो, ये कोई खास बीमारी नहीं है, ठीक हो जाओगे।
और इसी वजह से मैं यहाँ दवाई लेने आती हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है दवाई लेने में भी। सबको यही कहती हूँ भाई यहाँ आओ और ठीक होके जाओ। अभी मेरे को 2 ही महीने हुए, मेरे को काफ़ी आराम है अभी से, ना दर्द है ना मुझे उल्टियाँ वगैरह, नहीं उस टाइम तो उल्टियाँ भी थी लेकिन आज मेरे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक आराम से आती हूँ जाती हूँ। मेरे यहाँ गले पे निकला था फोड़ा, वो फूट गया है अब, उससे जल्दी मुझे फ़ायदा हुआ है दवाई खाकर। हफ्ते में 3 दिन पिलाते थे, फिर उसके बाद उन्होंने अब हफ्ते की मतलब एक बार ही देते हैं, हफ्ते में एक बार बुलाते हैं, वो फोड़ा निकला था वो बैठ गया फूट के, अब ठीक हो रहा है और दवाई बराबर खाती रहती है, अब कोई मतलब परेशानी नहीं है उसको। स्कूल भी अब जा रही है, अब कोई इतराज नहीं करता, सब जा खेलती पीलती बैठती उठती बच्चों में, मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं है, खाती पीती भी है। डॉट्स के अंतर्गत हफ्ते में 3 बार दवाई लेनी होती है और स्वास्थ्य अधिकारी इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप पर दवाइयां असर कर रही हैं या नहीं। टीबी के मरीज को खाने में क्या खास ख्याल रखना चाहिए? खाने के लिए टीबी मरीज सभी कुछ खा सकता है, जैसे चावल रोटी दालें मौसम की फल सब्जी सब कुछ खा सकते हैं। यदि कोई चीज़ खाने से परेशानी हो या खांसी अधिक आता है वो चीज़ ना खाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू हुक्का गुटखा शराब इन सब का परहेज करें। हमारी आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि आप देश से टीबी को मिटाने के लिए आगे आएं। सरकार ने तो अपने तरफ से सारे उपाय कर लिए हैं और दवाई और जांच निशुल्क उपलब्ध करा दिए सेंटर पर, कमी है आपकी, आप आगे आएं और अपने एरिया में अपने मोहल्ले में नज़र रखें। किसी भी सज्जन को टीबी के लक्षण अगर हैं तो उन्हें करीब के डॉट सेंटर में भेजें जहां उनकी जांच और इलाज निशुल्क किया जाता है। आपको ये कहूँगा जो 2 चीज़ हैं, तो इसका डायग्नोसिस और इलाज दोनों चीज़ मुफ्त हैं। ये सर आपका घर के नज़दीक डॉट सेंटर हैं, आप अपना डायग्नोस कराइए, अपना इलाज पूरा कराइए। डॉक्टर जो 6 से 8 महीने का जो इलाज है आप इसको पूरा कराइए, एक ही डोज आप बिल्कुल मत छोड़िए, आप पूरा ही इलाज अपना कराइए। अगर ये चीज़ आप ना करें तो ये बीमारी फिर बहुत भयंकर हो जाएगा और इसका जो इलाज बहुत कठिन है और इसका जो क्योर रेट ये भी बहुत कम है, इसमें आप लोगों का जान भी जा सकता है। डॉट्स का मुख्य कार्य मरीजों की जान बचाना, बीमारी की उम्र कम करना और बीमारी से हमारा बचाव करना है। डॉट्स सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध है। जी हाँ, डॉट्स पक्के इलाज का पक्का वादा।